हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट का साइज है 40x35 और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी की न्योर का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 40 फीट। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है, जो गहराई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 40x35 प्लॉट का एरिया हो गया और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी की न्योर का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा 10 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे खोलते हैं तो एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट ऐसे चौड़ाई के अंदर है और 16 फीट 1/2 इंच ऐसे लंबाई के अंदर है। ये हमारा हो गया पार्किंग एरिया। और मेन गेट की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 फीट 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमारा बरामदा बना हुआ, ठीक है। अब बरामदा से वापस आते हैं तो ये हमारा पार्किंग और ये 10 फीट का मेन गेट। और फिर यहाँ पर देखिए, हम जैसे 2 स्टेयरअप करते हैं तो हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे खोलते हैं तो मेन डोर की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारा पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे। ये हमारा पूजा रूम हो गया, जिसकी 3 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये मेन डोर, और मेन डोर के जिस पास में यहाँ पर देखिए हमारे पास लिविंग एरिया है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट ऐसे और 16 फीट 9 इंच ऐसे। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग एरिया के अंदर निकली और एक 6 फीट की विंडो सामने बरामदा के अंदर निकली। तो यहाँ आपके लिविंग एरिया के अंदर आराम से आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगी। उसके जिस पास में यहाँ पर देखिए 3.25 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो इधर सामने बरामदा जो हमने छोड़ रखा उसके अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते तो हमारा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के जैसे सामने हमारा स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। ये हमारा स्टेयर केस हो गया और 3.5x7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। स्टेयर केस के जैसे पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 3 इंच से और 12 फीट 3 इंच से। ये हमारा बेडरूम है, जिसकी 3 फीट की विंडो भी यहाँ पीछे हमने ओटीएस छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे। ये हमारा ओटीएस है, जिसके अंदर इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते इसके जैसे पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट ऐसे और 6 फीट 6 इंच ऐसे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम पीछे इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा, जिसके हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 11 फीट 3 इंच ऐसे। ये हमारा बेडरूम हो गया, इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो भी सेम पीछे इस ओटीएस के अंदर निकल रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 फीट का मेन गेट है, और फिर यहाँ पर हमारा पार्किंग एरिया रहा, यह हमारा सामने बरामदा। यहाँ पर हमारा मेन डोर है 4 फीट का, इसके जैसे पास में यहाँ पे पूजा रूम, ये हमारा लिविंग एरिया हुआ, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, ये हमारा किचन, और यहाँ पर स्टेयर केस, ये बेडरूम, कॉमन टॉयलेट बेडरूम, और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट के पीछे ओटीएस हमने छोड़ रखा। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।